हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट 4। इससे पीछे हम 3 सेट्स देख चुके हैं प्रैक्टिस का। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, एक बार आप लोग उसे जरूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, हमने एक सवाल लिया है। एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है, 300 रुपए की बेची दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको बताना क्या है, आपको लाभ बताना है किसमें, प्रतिशत में। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। लाभ प्रतिशत सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे में, देखिए प्रतिशत में बनाए से हम 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत में आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। लाभ कितने का, आप देखिए अंकों को हम रखेंगे। लाभ कितने का है? 250 का खरीद के हमने 300 में बेचा, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है? 50 का। तो यहाँ हम लिखेंगे 50 गुणित्ते में 100। क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए 250 रख देंगे। 50 से काटेंगे तो आएगा 5, 50 250 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20 प्रतिशत का लाभ हुआ और ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दशमलव से आ गया। 0.69 जिसपे बार का निशान है, आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने का? मैंने तरीका बताया कि पहले आप क्या है, बटे का निशान लगाएं। बटे के निशान के ये देखिए, जिस पर बार का निशान होता है, ये जो निशान इसे हम बार का निशान कहते हैं, जिस पर बार का निशान होता है उतने हम 9 लिखते हैं, और जितने पर बार का निशान नहीं होता उतने 0 लगा देते हैं। ये हो गया। अब देखिए, इस संख्या को पूरा पूरा उतार देंगे और माइनस में जिस संख्या पे बार का निशान नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे। तो किस पे बार का निशान नहीं है? 6 पे, ये कर दिया हमने। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 63। 6 को माइनस कर देंगे तो 63 बटे में आ गया 90। इसे काट देंगे और ये संख्या हमेशा 3 से ही कटेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। काटेंगे तो आएगा 3 यानी कि 30, और इसे काटेंगे तो 3 × 2 = 1। 21 बटे में आपका आ गया 30। ये कट जाएगा 3 × 3 = 21 क्या आया? 7/10। ये हो गया इसका आंसर इस सवाल का। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो इस वहां पर भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है प्रथम 10? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितने तक पूछा जाता है उतना तक आप कर देंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या था? यन ब्रैकेट में यन प्लस वन कुल के इतने के बटे में आपका आ जाएगा 2। कार्ड अंकों को रखेंगे। 9 मतलब होता है हमारी कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है? 10 संख्या है, तो लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 और बटे में आपका 2। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 इस 10 में और इस संख्या ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आ गया गुणा और कितना कर देंगे, आ जाएगा 11 बटे में 2। 2 से काट देंगे तो यहाँ 5 आएगा, 11 × 5 = 55। यानी कि अगर 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उनका हम योग करें तो हमारा क्या आएगा, 55 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए। देखिये सवाल मैंने बहुत इजी तरीके से ली है, जो समझ में आए और दूसरी बात जो आपके एग्जाम में भी आए। अगला सवाल देखिए, 2 संख्याओं का लौसो तथा मौसो क्रमशः 9 तथा 12 है, उनमें यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का भी फॉर्मूला था। दूसरी संख्या बराबर क्या था आपका, मौसो गुणित्ते लौसो और इसके बटे में पहली संख्या। पहली संख्या के रूप में आपको दिया है पहली संख्या। अंकों को रख देंगे। मौसो क्या है, 9 गुणित्ते में 12 बटे में क्या है आपका, 6। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, निकल जाएगा। देखिए काट देते हैं हम ऐसे, 6 संख्या 6 × 2 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 9 और 2 बचे, तो 9 × 2 = 18। यानी कि दूसरी संख्या क्या है, वो 18 होगी दूसरी संख्या। ये हो गया हमारा आंसर। केवल आपको देखिए फॉर्मूले याद करने, अगर फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं तो आप ये निकाल लेंगे। अगले देखिए, अगला प्रश्न हमने लिया है, बटे का सवाल है। 5/7 में माइनस करना है आपको 1/3, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21। 21 इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो 21 आ गया। 21 को जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 × 5 हो गया 15, उतने का हम गुणा करना है, कर देंगे ऊपर। माइनस जो क्रिया है वही होगी, माइनस का निशान लगाएंगे। 3 से जब 21 को काटेंगे तो आएगा 7 और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो यहाँ आएगा 7 × 7। घटा देंगे 15 में से 7 गया, 8/21।
ये कट सकता है तो आप काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका रह जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 5/7 में से आप 1/3 को माइनस करेंगे तो 8/21 आपका शेष आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे है 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कि एक एक वाले टॉपिक से आए कैसे करेंगे, देखिए इसको लगाने का जो तरीका है, हमने कहा था पहले आप आदमी लिख लिए, क्या है आदमी, और आपसे दिन पूछा है, यहाँ लिख लीजिए दिन। आदमी कितने हैं? 6 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 18। 9 आदमी है और पूछ रहा है कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पे एक्स। अब आप तीर लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ तीर लगाएंगे, तो इस तरफ तो क्लियर है कि यही संख्या बड़ी है 9, ये लगा दिया। दूसरी तरफ कैसे करेंगे, तो देखिए 6 आदमी अगर काम वही है, वही काम है, तो 6 आदमी उस काम को 18 दिन में करते हैं, तो 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कम दिन होगा, तो इसका तीर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 18 वाली संख्या बड़ी होगी, जो नीचे हमको संख्या मिलने वाली है वो छोटा होगा। तो अब बटे के रूप में इसे बना देंगे, जो जिस तरफ तीर का मुंह होगा वो बटे में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/6 आपका बराबर 18/x, क्योंकि तीर का मुंह ऊपर है। तो अब इसे देखिए तिरक गुणा हो जाएगा अब आपका, यहाँ से तिरक करेंगे तो 9×x बराबर 6×18 आ गया। अब x का मान निकाल देंगे तो x बराबर क्या होगा, 6×18/9, 9×2, 6×2, 12, यानी कि कितने दिनों में टोटल वो आदमी काम करेंगे, 12 दिनों में आपके 9 आदमी उस काम को खत्म कर देंगे, और ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, ये देखिए ये सवाल, 1.04×5.001 को क्या करना है, आपको गुणा करके बताना है। देखिए इस सवाल में बहुत लोग जल्दीबाजी कर जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप सवाल को जैसे बच्चे लगाते हैं उस तरह से रखिएगा, ऐसे पूरे पूरे सवाल को लगाइएगा, क्योंकि दशमलव को लगाना है, और यहाँ पे क्या है 5.001। दशमलव का जब गुणा भाग जोड़ घटा होता है तो वहां पे दशमलव के नीचे दशमलव आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गुणा और जो भाग होता है इसमें दशमलव के नीचे दशमलव का आना जरूर नहीं होता, वरना लास्ट में दशमलव संख्याओं को किस तरह से दशमलव किस अंक पे रखना है ये जानना जरूरी है। देखिए गुणा कर दीजिए, 1 का करेंगे 4 में तो 4 आएगा, 0 और 1 एकम 1, 0 से करेंगे 0, 0, 0, फिर 0 से करना है तो 0, 0, 0, फिर 5 से करेंगे 5×20, अगली संख्या 0 होने के लाते हैं 20 पूरा का पूरा लिख देंगे, और 5×5 इसे ऐड कर देंगे 4, ये आपका 0, यहाँ पे 1, 0, 2, 5। अब कितने अंकों पर दशमलव लगा यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा है और यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा है, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 अंक, यानी कि हम कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे पीछे से, 5 अंक पर, 1, 2, 3, 4, 5, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पे। क्या आंसर आया, 5.20104, ये हो गया आपका आंसर। गुणा आएगा दशमलव को तो सेम यही पैटर्न यूज कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, रवि की आय किशन की आय से 25% अधिक है, तो किशन की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है। तुलना वाला है सवाल ये, प्रतिशत का क्या है, कमी प्रतिशत आपको दिखाना है। फॉर्मूला क्या है, कमी प्रतिशत बराबर क्या है, एक्स बटे में, एक्स क्या है कमी है तो कमी को दिखाता है, और एक्स अगर वृद्धि है तो वृद्धि को दिखाता है, तो एक्स क्या है, एक्स बटे में 100+x×100। यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे कम है तो यहाँ निशान कौन सा लगेगा, प्लस का, अगर यहाँ अधिक होता तो यहाँ निशान लगता माइनस का। अंकों को रखते हैं, एक्स कितना है 25 बटे में 100 में, और ये 25, एक्स का मान 25 है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 125×100, काट देंगे 25 पंजे 5 से काटेंगे है तो 20, यानी कि 20 प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है किशन की आय रवि की आय से, ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।